अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नवीन पनवेल के तालाब पर लगा छठव्रतियों का मेला, उदयाचल सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर हुई सुख संतति के लिए प्रार्थना। पनवेल में उत्तर भारतीयों की आस्था के महापर्व छठ पर छठ मैया के गीत और रंगारंग संगीत से तालाब गुलजार रहे। भाजपा के उत्तर भारतीय मोर्चा द्वारा घाट पर रोशनाई समेत तमाम इंतजाम किए गए थे। जहां शनिवार को शाम डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया, वहीं रविवार की अला सुबह सैकड़ों छठ भक्तों ने उगते हुए सूर्य को अपना आखिरी अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। सानी भाजपा नगर सेवक संतोष शेट्टी ने अपनी भावनाएं प्रकट की और छठ पूजा को उत्तर भारतीयों की आस्था का महापर्व बताया। यहां छठ व्रतियों के लिए व्यापक इंतजाम और संगीतमय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। सभी छठ पूजा भक्तों को मेरा सबसे पहला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्यों हर साल में इधर न्यू पनवेल में छठ पूजा बीपी सिंह साहब का अध्यक्ष में छठ पूजा समिति ने इसको आयोजन और नियोजन सब कुछ होकर रहे। हमारा का मई नगर सेवक हमारा आमदार साहब रामसेठ का आशीर्वाद है। हम लोग सब उसको सपोर्ट करके इतना भव्य दिव्य छठ पूजा होने के हम लोग सब लोग इसको मेहनत कर रहे हैं। उतने हमारा नहीं, ये उत्तर भारतीय लोग है प्रोग्राम। हम खाली मैं भी साउथ इंडियन और हमारा आमदार साहब महाराष्ट्र सब मिलकर उसको साथ देके बहुत विजृंभ से ये पूजा का हम लोग कर रहे हैं। पूज पर सभी ये छठ पूजा करने वालों को और अपना न्यू पनवेल वासी को सबको सूर्य भगवान में आशीर्वाद देके सबको अच्छे से रखो, इतने मेरा प्रार्थना है। इस कार्यक्रम में खास तौर पर मौजूद शिवसेना नेता रामदास अठावले और कुछ अन्य श्रद्धालुओं ने भी छठ महापर्व के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए इसे प्रकृति की पूजा और स्वच्छता का त्यौहार बताया और अपनी भावनाएं व्यक्त की। छठ पूजा मुझे उत्तर भारतीय लोकांचा आज हा मोठ्या प्रमाणात सण साजरा केला जातो उत्तर प्रदेश मध्ये, परंतु महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश हे एक चांगले नाता आहे आणि महाराष्ट्र भी अतिथि देवो भव आपण ज्या भावनेने म्हणतो त्या भावनेनं आम्ही ज्या ज्या ठिकाणी कार्यक्रमाला जातो आहे, आता कळंबोलीला मध्ये पण गेलो होतो आम्ही, इतना मोठा क्राऊड होता, इथेही आलो होतो, इथं थोडं लेट झालं याला, इथेही क्राऊड होता, याच्यावर एक निष्पन्न होतं की महाराष्ट्राची संस्कृती अतिथी देवो भव त्याप्रमाणे ही सगळी गुण्यागोविंदांना नातात नांदतात ह्या महाराष्ट्रामध्ये। कुठलाही कार्यक्रम असू अन्नाच्या माध्यमातून आम्ही पाहिलेलं आहे की कुठली जातप्यात भेदभाव न करता कुठेही हेरीरीनं आपण एक समाजाचं एक नेतृत्व करतो, आपण समाजाचं काही देणं लागतो ह्या संकल्पनेनं अन्नाचं काम ही फार मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे अन्नाला धन्यवाद देईल तेवढे कमी आहेत। हे छठ पूजा समिती के द्वारा मनाई जाती है। इसमें हमारे यहाँ के जो रामशेठ ठाकुर जी हैं, जो हमारे MLA साहब हैं प्रशांत ठाकुर जी, नगर सेवक संतोष शेट्टी जी और उसी तरह सभी भारतीय जनता पार्टी और छठ पूजा समिति के जो लोग हैं सब मिलजुल के यहाँ पे इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, मना रहे हैं और हर साल इसकी जो मान्यता है या इसकी जो धूमधाम मनाने का जो तरीका है हर साल बढ़ता जा रहा है। इस साल से पिछले साल से कई गुना ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए और ये छठ पूजा समिति सिर्फ क्या कहते हैं खाली उत्तर भारतीयों का नहीं, उत्तर भारतीयों के या यूपी बिहार के लोगों का नहीं है, यहाँ पे सब लोग आते हैं। हमारे सभी उत्तर भारतीय हमारे बिहार के सभी भाईजन, इनके लिए आज छठ पूजा का यहाँ पे आयोजन किया गया था। यहाँ पे छठ पूजा समिति हमारे कॉरपोरेटर सन्मान्य श्री संतोष जी शेट्टी, हमारे मेयर सन्मान्य डॉक्टर कविता चोतवन मैडम, सन्मान्य समीर जी ठाकुर, राजेश वावेकर मैडम और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता छठ पूजा समिति के माध्यम से यहाँ पे ये छठ पूजा का यहाँ पे आयोजन किया गया था। मैं मेरे पार्टी की तरफ से संतोष शेट्टी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना बड़ा आयोजन शायद पनवेल या नवी मुंबई किधर यहाँ पे संपन्न नहीं हुआ होगा। यहाँ पे जो लोग छठ पूजा के लिए आए थे, जो महिला भगिनी यहाँ पे आई थी, उनकी सभी व्यवस्था, पूजा की व्यवस्था, धार्मिक विधि जो होते हैं उनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी यहाँ पे हमारे सभी कॉर्पोरेटर उन्होंने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने लोगों ने ली। मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। सभी हमारे भाईजन जो है उत्तर भारतीय होंगे, बिहारी लोग, बिहारी भाईजन रहेंगे, उनको सबको हमारे जो भगिनी माता है उनको ये छठ पूजा की शुभकामनाएं देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।